पहला वाकया हुआ है, पहले इस्लामाबाद में 5 वाकयात हुए हैं जिसमें लोग हमला आवर जो हैं इस आईजी प्रिंसिपल रोड पे पुलिस स्क्वाड को और जो शाहीन है मोबाइल स्क्वाड हमने 125 स्क्वाड निकाले उसमें से 5 को उन्होंने जानी नुकसान पहुंचाया और वो लोग शहीद हुए। और ये खास मकासद हैं, हम तालिबान टीटीपी के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे, सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है, 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें, 21 किलोमीटर का का फासला अभी बाकी है। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं होगी। हजरत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आए, क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं और आप हमें कमर बस्ता कर रहे हैं। जी, मैं आपका जवाब तो नहीं देना चाहूंगा। आप तो करने देना जी, फिर आप बात कर रहे हैं, आप अपनी वो टाइम पे बात करें जी, बात पे पाबंदी आप दोनों अतराफ एक दूसरे पे जब लगाएंगे फिर यही आलम होगा जी। प्लीज जी शेख साहब, मैं पहले सुनें जी उनकी बात, फिर आप अपनी बारी पे बोल रहे हैं ना सर। प्लीज, मैं हजरत साहब को ये यकीन दिला रहा हूं, सुने यकीन दिला रहे हैं आपको, अगर कोई पुलिस वाला लाहौर में उनके किसी, अब मेरी बात सुन लें या आप बात कर लें मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, अगर कोई पुलिस वाला आपके पंजाब के सेक्रेटरी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके साथ बद इखलाकी में और उसने कोई ज्यादती की हुई, मैं कल ही आपको जवाब दूंगा और करार वाकई उसको सजा दी जाएगी जी। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद सैनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग की गई, दहशतगर्द हमले में पुलिस अहलकार शहीद हुए, वाकये की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद में ये